गुड मॉर्निंग जयराम जी की, कैसे हैं आप सब? और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 6:15 हैं और मैं घूम रही हूँ इधर खेत में, झाड़ू लगानी है। अब वहाँ घर पे लगा के आई हूँ रूम में और किचन में, उठते पहले जाके वहाँ लगा के आती हूँ, फिर बाद में यहाँ लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ अंधेरा रहता है उस टाइम पे, तो सोचती हूँ पहले वहाँ लगा देती हूँ फिर उसके बाद में यहाँ लगा लेंगे। तो वहाँ थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ किचन को और बेडरूम को, फिर यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ अब झाड़ू लगानी है और रात को ओस पड़ती है ना, इसलिए आज अंदर ही चारपाई लगाई थी, बाहर नहीं सोए। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, बहुत ज़्यादा वाली, और शेरू को यही मान दिया था कि शेरू की थोड़ी सी आवाज़ से पता चल जाएगा ये भौंकता है ना, तो इसको बांध दिया था। अब सुबह सुबह जल्दी से आज अब लोग स्टार्ट किया, बहुत दिन हो गए सुबह सुबह से लोग स्टार्ट किए। और हाँ, मैं मेरी चोट दिखाऊँ आपको, ये देखो सही हो गई है ना, पहले से काफ़ी सही हो गई है। काफ़ी क्या, अब तो बस इसमें खुजली चलती है बस थोड़ी बहुत, वैसे दर्द नहीं है बिल्कुल भी, एकदम ठीक हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब झाड़ू लगा लेते हैं। नया व्लॉग स्टार्ट हुआ है यार, आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं कर रखा आप ने, बहुत सारे लोगों ने, मेरे पास जो वो आता है ना, जो रेशियो दिखाता है ना यूट्यूब, सब्सक्राइब किए हुए कितना लोग देखते हैं, बहुत कम है। बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरे को व्यूज़ दे रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके देख लिया करो। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है यार, मेरा कहने का फ़र्ज है, मैंने कह दिया कि आप कर लिया करो, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप करो तो ठीक है। ठीक है, और चलिए फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, वहाँ की लगा के आई हूँ। और मेरे ना पता है क्या हो रहा है, ये दर्द था ना, आप लोग बता रहे थे टॉन्सिल हैं, टॉन्सिल नहीं है ये यहाँ से यहाँ तक इसमें भी हो गया, अब इधर इधर ये खा। और मैं गलत पोस्चर में भी नहीं सोती, मतलब मैं तकत पे सोती थी वहाँ पे, अरे हाँ यहाँ खाट की वजह से हो सकता है, मैं यहाँ चारपाई पे सो रही हूँ ना, चारपाई पे नहीं सोती मैं कभी भी, तकत पे सोई हूँ ना हमेशा, टाइट मेरे को हमेशा टाइट उस पर तकत जो होता है ना इस टाइप के, उस पर सोने की आदत है, तो उसमें ना सही पोस्चर रहता है तो दर्द नहीं होता बैक में। और अब मैं 2-3 दिन से चारपाई पे सो रही हूँ यहाँ पे, शायद तक हो सकता है, और आप लोग बताना मेरे भी, मैं आप लोगों से बात करी तभी याद आया। ठीक है, और 2-3 दिन से सोच रही हूँ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द तो मेरे पहले ही शुरू हो गया था, उधर की साइड ही शुरू हो गया था, क्या पता क्या पंगा है, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ तकलीफ। तो जी यहाँ झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, और आज जो है ये जो पीछे वाला एरिया नहीं है, जहाँ तुलसी दिख रही होगी आपको सामने चूल्हे के ऊपर जो तुलसी है, इसके पत्ते और ऊपर से 3-4 ये बड़े बड़े पेड़ हैं, इनके पत्ते बहुत सारे झड़ते हैं, और पिछले 1.5-2 महीने से इधर झाड़ू ही नहीं लगी ना इस एरिए में, तो ये सारे पत्ते झड़ झड़ के, बीच में बारिश हुई तो सारे चिपक गए मिट्टी से बुरी तरह, और मेरे को 3-4 दिन हो गए इधर क्लीनिंग करते हुए, लेकिन फिर भी अच्छे से नहीं हो पाई है, क्योंकि पहले तो वो घास उखाड़ना, फिर बाहर से सारी घास उखाड़ के उधर कचरा जम गया था वो सारा निकालना, और अब ये जो आप देख रहे हो इस एरिए में भी पत्ते चिपके हैं, वो सारे पत्ते देखो मैं डाल रही हूँ, इतने पत्ते इतनी ही दूर में हो गए हैं, और आगे बहुत, मतलब ये पूरी बाल्टी में एक भर के तो डाली आई थी, और दूसरी जो बाल्टी है वो मेरी भरने वाली थी, इतना इसमें पत्ते जमा हो गए थे, बहुत सारे निकले, और ये पत्ते निकाल के बाद में मैंने फेंक दिए ना, उसके बाद मेरे दिमाग में आए नीम के पत्ते थे इसमें, और इधर मच्छर बहुत काटते हैं शाम को जब बैठते हैं ना हम लोग, दिन में तो नहीं काटते, शाम को बहुत काटते हैं, तो अगर इनको रख लेती ना तो फिर मैं परात में डाल के इसमें धूनी नहीं सिलगाते हैं फिर उससे मच्छर नहीं होते, वो कर देती तो अच्छा रहता, लेकिन फिर मैंने फेंक दिए थे, अब मैं क्या करती, अब सोच रही हूँ कि अगर नीम के पत्ते इधर कोई पेड़ है ना उनके नीचे से उठा के करूँगी ये वाला जुगाड़ तो। और ये जो पीछे है ना ये वाला एरिया, इसमें भी बहुत पत्ते थे, इसकी भी फिर मैंने सोचा जब शुरू ही कर दिया है तो सारा ख़त्म करके ही दम लेंगे आज, तो मतलब साफ़ हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और अब फिर ये थोड़ा टाइम से हो गया था तो मैंने सोचा बाहर से भी लगा देते हैं, और शेरू यहीं बंध रहा है, आप सामने देख रहे होंगे, देखो बैठा है, और कमर का हो जाता है बुरा हाल जब सुबह पहले 1.5 घंटा तक आदमी जब झाड़ू वाड़ू में लगा रहेगा ना, जब उठेगा मतलब मुड़ 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 के झाड़ू लगानी पड़ती है ना थोड़ा सा मुड़ के, तो फिर जैसे ही खड़े होते हैं ना बहुत ज़ोर से दर्द होता है, जिस जिसके होता है बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, मेरे तो बहुत होता है। और ये वाला बाहर का कचरा जो निकला था वो भी मैंने डाल दिया है, अब रखेंगे गर्म पानी, क्योंकि शर्मा जी गर्म पानी से नहाते हैं, इधर ठंड है अभी, वैसी ठंड नहीं है लेकिन फिर भी बारिश की वजह से ना हल्का ठंडा मौसम है, तो शर्मा जी के लिए तो गर्म पानी करना ही पड़ेगा,
बाकी हम लोग तो ठंडे से नहाएंगे, और लकड़ियाँ सील चुकी हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। आज तो आंसू आ गए थे बहुत, मतलब आंखों में बुरा हाल हो गया था, धुआं घुस घुस के रोने लग गई थी। फिर नैनी मजाक कर रही थी, मम्मी रो क्यों रही हो? मैंने कहा रो नहीं रही, यहाँ पे धुआं घुस रही है ना आंखों में तो आंसू आ ही जाते हैं। तो देखिए अब मेरी आँच जाके कहीं जली है और अब सही रहेगी मेरी थोड़ी। आंच जल कर तैयार हो गई, आंच जलने लग गई, और अब है ना हल्की हल्की बारिश की बूंद गिरती है, एकदम हल्की हल्की, पतली पतली, छोटी छोटी, पता नहीं ये देखो आएगा क्या, आएगा तो सारी यार मेहनत शेरू खराब है ना करेगा। यहाँ पे, भाग मत। शेरू बंदा हुआ है, कुछ कह रहा है बेटा, उसको क्यों डरा रही है? सिवान साल भागेगा तो सुबह मेरे साथ उड़ भौंकेगा, गया ये था। हैं? भागेगा तो भौंकेगा ही। नहीं नहीं भोगता, घर वालों पे नहीं भोगता वो। क्या हाथ हाथ, क्या किसने लगवाया था? जिस समय अच्छा और आज बनाने वाली हूँ नमकीन की सब्जी, बीकानेर से मेरी मम्मी ने भेजी थी। कम से कम 1-1.5 महीना हो गया, आप लोगों को याद होगा भाई आया था तो टॉफियाँ भी थी इसमें, मैं रख कर भूल गई थी। आज मुझे सामने मिली तो मैंने सोचा बना लेते हैं। तो मैंने जीरा डालने के बाद में लहसुन प्याज और हरी मिर्ची डाल दी है, ये भुनने के बाद में इसमें टमाटर जाएगा। सिंपली जैसे अदर सब्जी में हम तड़का लगाते हैं सेम वैसे ही तड़का लगाना है। और हमारे बीकानेर में बहुत बनती है ये सब्जी, उधर मोटी जो नमकीन आती है ना उसकी थोड़ी बहुत मैंने बारीक भी ऐड कर दी है, इसमें ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी मेरी प्याज भुन चुकी है, अब मैंने टमाटर डाल दिए इसमें। फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, क्लिप बहुत बड़ी हो गई थी यार, तो सॉरी उसके लिए। और अभी इसमें जा रहा है नमक और हल्दी, अब थोड़ी सी लाल मिर्ची डालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं डालूंगी, ऐसा कुछ है ये तड़का अब। और अच्छे से इसने ऑयल रिलीज कर दिया है। और शर्मा जी ये वाली सब्जी नहीं खाएंगे, आप टेंशन मत लेना, वो ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाएंगे, जो घर में बनेंगी ना मम्मी के पास बनेगी वो वाली सब्जी खा लेंगे। तो इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है, अब इसमें नमकीन डाल देते हैं, ये और बच्चों की मोस्ट फेवरेट सब्जी जो होती है ना उसमें मानी जाती है ये, समझ लीजिए आप। एक बार ट्राई करके देखिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, और स्पेशली मैं भी आज बच्चों के कारण ही बना रही हूँ। नैनी और शिवांश दोनों बहुत खुश हैं इस सब्जी के लिए। और रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं, अब सुबह सुबह इसलिए सेक रही हूँ क्योंकि ना दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है इधर चूल्हे पे, और फिर धूप लगती है तो नहीं बनती। वाह भाई वाह, सच्ची बता, वाह भाई वाह, विद्या गले, वाह भाई वाह, सही में सही वाह भाई वाह, सच वाले विद्या गले। अलवाई को नहीं था हाजी, हजा जी अलवाई को नहीं क्षेत्री में मैं सब्जी हो रही है। बकवास मत कर, सही में बता दे। शिवा ने पूछ लिए ले खाके बताना मम्मा कैसी होंगी। ठीक है अच्छा बने देख लियो, मैं झूठी बोलूंगी जरा मर्जी। सही में अच्छी नहीं है शिवान? हाँ कहती मम्मा मैं झूठ थोड़ा बोलता हूँ आपसे। नहीं तू भी खा ले रोटी। और अभी रोटियां बन चुकी है, शर्मा जी के नहाने का टाइम है, मतलब सबसे पहले नैनी नहाई है, उसके बाद में अभी शर्मा जी नहाएंगे और मैं और शिवांश बाद में, क्योंकि फिर मैं नहाऊंगी तो मैं सबके कपड़े वॉश कर लूंगी साथ साथ। तो मैं शर्मा जी का पानी रख कर आ जाती हूँ और पानी वहाँ रखूंगी, तब उसके बाद में आ करके इधर से क्लीनिंग वगैरह करूंगी। और इतनी दूर पड़ता है ये, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कभी इधर आना कभी उधर आना, मतलब ज़्यादा टाइम तो इधर उधर चक्कर लगाने में ही निकल जाता है, तो बस एक्सरसाइज भी हो जाती है। लो जी उनका पानी रख दिया, वो नहा लेंगे, तब तक मैं इधर से ही झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, गंदा हो जाता है ना जैसे, अच्छा नहीं लगता है ऐसे बिखरा हुआ। झाड़ू लगा के समेट के और लकड़ियाँ उठा के रख के इसको ढक के फिर नहाऊंगी, ताकि मैं नहाने के बाद में मेरे को दोबारा ना उठाना पड़े, दोबारा झाड़ू भी ना लगना पड़े। और नहा के फिर अभी शर्मा जी की रोटियाँ बाकी हैं, वो दोपहर में बनेंगी, मतलब 1 बजे, तो 4 रोटी है, दोबारा से सेक दूंगी, कोई देर को लाग। ठीक है अब मैं झाड़ू लगा लूँ। तो जी अब ये झाड़ू लगाने के साथ ही हम इस व्लॉग का एंड भी करते हैं, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसा कुछ हो चुका है अब मेरा ये वाला किचन, तो चलिए फिर बाय। हाँ जाते जाते लाइक करना।